नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। हरिद्वार में कुंभ कोरोना जांच फर्जीवाड़े मामले में हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में दिल्ली के मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस लैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बता दें, पंजाब के रहने वाले व्यक्ति के द्वारा की गई शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। दरअसल हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना जाँच के नाम पर हुए फर्जीवाड़े मामले की जाँच के लिए 10 लैब को इन पैनल किया गया है। इनमें डॉक्टर लाल चंदानी लैब और नलवा लेबोरेटरीज पर सबसे ज्यादा फर्जीवाड़े करने की आशंका है। आर्थिक संकट से जूझ रहे रोडवेज ने कर्मचारियों के वेतन के लिए कंडम बसों को बेचना शुरू कर दिया है। दरअसल सोमवार को पहली खेप में 106 बसों की नीलामी की गई, जिसमें 2,22,00,000 रुपए रोडवेज को मिले हैं। वहीं रोडवेज के एमडी का कहना है कि बसें आयु पूरी कर स्क्रैप की श्रेणी में आ चुकी है। 120 बसों को बेचने की अनुमति मिल चुकी है और ये नीलामी एक रूटीन प्रक्रिया है। साथ ही बताया है कि रोडवेज कर्मचारियों के लिए 2 महीने का वेतन एडवांस रोडवेज के पास है। एक रूटीन प्रोसेस है और इसमें हमारी कुछ बसेज लंबे टाइम से कंडम होने के बाद में नीलाम नहीं हो पाई थी, तो हम लोगों ने उसको एज ए टास्क लिया और 106 बसेज हमारी आफ्टर ऑक्शन और जो भी हमारा प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट टूल में उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने उनको कल नीलाम किया और 2,22,00,000 तक की बोलियाँ हमें मिली हैं। लालकुआ में कोरोना महामारी के बीच प्रदेश सरकार अस्थायी अस्पताल बना रही है, लेकिन पिछले 7 सालों में लालकुआ के खल्दू चौड़ में निर्माणधीन 30 बेड का अस्पताल अभी तैयार नहीं हो सका है। वहीं क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने फरवरी 2021 में अस्पताल का उद्घाटन करने का दावा किया था। अस्पताल शुरू न होने की वजह से लोगों को इलाज के लिए अन्य शहरों में भटकना पड़ रहा है। बता दें कि लालकुआ बिंदु खत्ता के गाँवों की भारी जनसंख्या और राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायलों के उपचार के लिए खल्दू चौड़ में नवंबर 2014 को पूर्व की कांग्रेस सरकार के मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के प्रयासों से तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र नेगी और वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने लालकुआ के खल्दू चौड़ क्षेत्र में 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नींव रखी थी, जिसका जिम्मा उत्तराखंड राज्य अवस्थापना विकास निगम यानी बिटकुल को मिला था। शिलान्यास के वक्त बेसमेंट सहित 3-3 मंजिल अस्पताल की लागत 8,50,000 करोड़ तय की गई थी, लेकिन अब तक अस्पताल का निर्माण नहीं किया जा सका है। कांग्रेस शासन में जो लालकुआ विधानसभा के हल्दू चौड़ में एक अस्पताल का निर्माण कार्य हुआ है, निर्माण कार्य अधूरा है, मतलब कांग्रेस ने उसमें पैसा दिया और उसमें कांग्रेस के शासनकाल में बहुत सारे कार्य वहाँ पर हुए, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से वहाँ पर कार्य ठप पड़ा है। बहुत ही मंद गति से वहाँ काम हो रहा है और जो है उसमें अभी लोगों ने जो है हमारे जो माननीय विधायक जी हैं लालकुआ के उनके पास भी लोग गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि उसमें ठेक कार्यदारी जो संस्था है उस पर जो है मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि इस पर ठेकेदार पर जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पिछले कई दिनों से शिक्षा नगरी रुड़की में लगातार हो रही चेन स्नेचिंग की घटनाओं के चलते आज रुड़की कोतवाली पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पिछले काफी समय से रुड़की क्षेत्र में होती आ रही चेन स्नेचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम पुलिस भी कर रही है। बता दें कि बीते 31 मई को जादूगर रोड पर एक युवक बाइक से आता है और महिला के गले से चेन तोड़कर फरार हो जाता है। उसकी ये पूरी करतूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने यहां चेन स्नैचिंग के आरोपी को पकड़ लिया है और जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने खुलासा करते हुए बताया कि बीती 31 मई को हुई हनी सिंह के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब उसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। एक घटना जादूगर रोड में चेन स्नैचिंग की हुई थी, जो अर्ली मॉर्निंग में एक लेडी जो इवनिंग मॉर्निंग वॉक में जो निकली थी उसके साथ एक आदमी के द्वारा चेन स्नैचिंग की घटना की गई थी, क्योंकि मामला एकदम से अज्ञात में था और तो पुलिस में सीओ रुड़की और इंस्पेक्टर रुड़की ने जो इनकी टीम थी इनके द्वारा लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे थे और कल 16 तारीख को जो इसमें मेन मिल्जिम था उसकी अरेस्टिंग की गई है और ये व्यक्ति सहारनपुर का रहने वाला है। मुद्दे जी इस पर पूर्व में भी मुकदमे हैं,
इसके द्वारा जो लूटी गई चेन है वो भी बरामद की गई है और कुछ और घटनाओं का भी इसमें हमें और भी पता लग रहा है, इसमें और भी हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं जो इसके द्वारा घटनाएं की गई। बद्रीनाथ हाईवे पर श्रीनगर से धारी देवी के बीच कल बुधवार शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक मलबा आने से मार्ग पूरी तरह से बाधित रहा। 6 बजे मार्ग पर मलबा आने पर प्रशासन NH के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि इस पर रेलवे विभाग द्वारा चल रहे कार्य में इस्तेमाल हो रही मशीनों को मार्ग खोलने के लिए भेजा गया, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद रात 9 बजे मार्ग खोल सका और इस दौरान यात्री बहुत परेशान होते रहे। वहीं यात्रियों का कहना है कि बद्रीनाथ हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइडिंग की वजह से हमेशा मार्ग बाधित हो जाता है। लालकुआ में युवा समाज सेवी वैभव उपाध्यक्ष की पिछले महीने कोरोना से जान चली गई थी, जिसकी याद में आज उनके भाई योगेश उपाध्याय नगर पंचायत सभासद ने अपने साथियों के साथ अपने आवास पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में पहुंचे स्वर्गीय बाल किशन देव की चैरिटेबल ब्लड बैंक हल्द्वानी की मौजूदगी में रक्त एकत्रित किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। खानपुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या नीलधारा गंगा का टूटा हुआ तटबंध है। 2017 में आई बाढ़ के दौरान ये तटबंध टूट गया था और क्षेत्रीय लोग इस तटबंध की मरम्मत को लेकर परेशान हैं और पिछले 4 सालों से बाढ़ की मार झेल रहे हैं। लक्सर उपजिलाधिकारी से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई राहत नहीं मिली। करीब 1 हफ्ता पहले भी सिंचाई मंत्री का 2 दिन तक लगातार दौरे का कार्यक्रम यहां बना हुआ था, लेकिन फिर रद्द कर दिया गया। लगभग 1 सप्ताह बाद आज सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज खानपुर विधानसभा के गांव में बालावाली में पहुंचे, जहां पहुंचे तो उन्होंने बाढ़ग्रस्त एरिया का हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद बालावाली के राजकीय प्राइमरी स्कूल में बने हेलीपैड पर सिंचाई मंत्री के हेलीकॉप्टर को उतारा गया। और आज हम जो है मौका मुआयना करने आए हैं और हमने एरियल सर्वे किया है, पूरे इलाके को हमने बार बार घूम कर देखा है और इसमें अभी जो हम इसका प्रस्तावित करने जा रहे हैं वो है यहाँ पर स्पर को बढ़ाने की योजना करने जा रहे हैं। वर्तमान में नाबार्ड मड के अंतर्गत यह है 568.06 लाख की बाढ़ सुरक्षा योजना गतिमान है। इसमें 100 मीटर लंबाई के 4 स्पर जो हैं तटबंध की स्ट्रेंथनिंग के लिए जो है प्रावधानित हैं इसके अंदर। इसके अंदर 4 स्परों का कार्य जो है 1, 2, 3, 4, 5 जो स्पर हैं हमारे उन्हें निर्माण एवं विस्तारीकरण के लिए इसमें टोटल संख्या है 61.94 लाख की जो इसका प्राकलन गठित कर स्वीकृति के लिए प्रेषित किया गया है। तो निश्चित रूप में इसमें कार्रवाई होगी और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस समय पूरे बाढ़ सुरक्षा के हमने जो कार्य किए हैं और हम पूरी तरह से सजग हैं। हमने पूरे उत्तराखंड के अंदर जगह जगह मॉनिटरिंग कमेटी बना दी है और हम मॉनिटर करते रहेंगे और जैसा कि अभी विधायक जी ने यहाँ बताया है उनके सुझाव को निश्चित रूप में हम जो है कार्य रूप देंगे। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 10 हिस्ट्री चीटर लापता हैं। इसका खुलासा उस समय हुआ जब कोतवाली में इंस्पेक्टर शिशुपाल सिंह नेगी ने क्षेत्र के सभी हिस्ट्री चीटरों को तलब किया। मौके पर केवल 32 हिस्ट्री चीटर ही पहुंचे। बता दें कि क्षेत्र में 44 हिस्ट्री चीटर हैं, जिसमें से 2 जेल की हवा खा रहे हैं, जबकि 32 हिस्ट्री चीटर क्षेत्र में मौजूद हैं। बता दें हिस्ट्री चीटरों के लापता होने की जानकारी मिलने पर इंस्पेक्टर खुद हैरान हैं। इंस्पेक्टर ने लापता हिस्ट्री की तलाश करने के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया है। जनरल ओपीडी खुलने के बाद भी एम्स की टेलीमेडिसिन सेवा जारी रखी जाएगी। बता दें कोविड संक्रमण से बचाव के दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। आम मरीजों को फोन द्वारा डॉक्टरी परामर्श उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एम्स ऋषिकेश में बीती 19 अप्रैल से टेलीमेडिसिन ओपीडी सेवाएं शुरू की गई थी। तब से इस सुविधा के तहत फोन और व्हाट्सएप कॉल को अटेंड कर अलग अलग विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सक दैनिक तौर पर मरीजों को आवश्यक मेडिकल परामर्श दे रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।